आप रिएक्ट वाली हूँ ऑन द वीडियो धापकड़ रिपोर्टर एंड वैलेंटाइंस डे बाय हर्ष राजपूत। सो बिफोर स्टार्ट, हेलो एंड आई एम मोनाली नेगो, वेलकम टू माय चैनल रहने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। सीधा पकड़ो इसे तो। नमस्कार। अरे साला झुक कर रहा है, सीधा पकड़ो। अरे यार मेरा जो कैमरामैन था बरमुंडा बुरकुमार वो साला भाग गया। हमको लग रहा है साला उगांडा ना चला गया हो, तो अभी वो सब्जी वाला के हम पकड़ के लाए हैं क्योंकि साला काम नहीं रुकना चाहिए कुछ भी हो जाए। तो नमस्कार, आपका स्वागत है धाकड़ न्यूज़ के इस नए एपिसोड में। आप देख रहे हैं धाकड़ न्यूज़, विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ नेटवर्क, सिर्फ धर्मेंद्र धाकड़ के साथ। अभी वैलेंटाइन का जो है चुतियापा वाला महीना चल रहा है, सब लोग सब चुतियापा में लगा हुआ है, वैलेंटाइन। तो सोचे कि इस बार हम भी वही मुद्दा उठाते हैं और उसी पर बात करते हैं, क्योंकि वैलेंटाइन के दिन लोग तो बहुत कुछ उठाता है, हम खाली मुद्दा उठा रहे हैं। तो यहाँ पे वही हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। तो आइए, यहाँ पे हम लोग जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक पार्क में हैं, लोग भी हैं और एक कपल भी बैठा हुआ है। तो चलिए हम उनसे बातें करेंगे कि क्या होता है वैलेंटाइन पर और उनका थोड़ा सा विचार जानेंगे। तो आइए, यहाँ पर देखिए एक कपल है, इनसे हम बातें करते हैं। जी अभी ओयो में जाना चाहिए तो इन साला यहाँ बैठा है। तो इनसे अभी वैलेंटाइन डे का टाइम चल रहा है, तो क्या वैलेंटाइन मना रहे हैं आप लोग? जी। तो अभी ये बताइए कि जो वैलेंटाइन डे का टाइम है तो आप लोग एक दूसरे के साथ मतलब खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश है, आपको दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है, बहुत दिख रहा है। तो ये बताइए कि कितना दिन से हैं आप लोग साथ में? 7 मंथ से। 7 मंथ से है साथ में। तो अभी जो वैलेंटाइन डे का टाइम है तो आपको क्या लगता है, क्या केवल एक ही दिन या कुछ एक हफ्ता ही सिर्फ होना चाहिए प्यार को इजहार करने के लिए? जी नहीं, प्यार तो लोग हमेशा ही करते हैं, लेकिन पब्लिकली एक्सप्रेस करने के लिए ये दिन ही पब्लिकली। मतलब देखिए जो सिंगल घनघोर लौंडे जो देख रहे हैं वीडियो को, देखिए कैसे ही सब प्यार उहार का एक्सप्रेस किया जाता है यहाँ पे। तो अच्छा हमें बताइए कि आज का जो जमाना है उसमें वो लोग चीट करते हैं, धोखा देते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो गया है रिलेशनशिप मेंटेन करना, तो आप लोग कैसे मेंटेन किए हुए हैं? सर ये तो एक दूसरे पे डिपेंड करता है ना कि आप अपने पार्टनर के लिए कितने लॉयल हैं या उनको चीट कर रहे हैं। अगर एक दूसरे के लिए लॉयल है तो आपका रिश्ता मतलब लंबा चलता रहेगा। हाँ। मतलब लॉयल्टी है ना। हाँ, बहुत ज़्यादा। हाँ मतलब अपने पार्टनर के साथ आप लॉयल रहिए और हमेशा प्यार करते रहिए, बस हो जाता सब कुछ। हाँ तो देखिए जैसा कि देख सकते हैं कि लोग अभी अब यहाँ पे वैलेंटाइन मना रहे हैं और प्यार भी है दोनों के बीच में। आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं सेल्फी उल्फी ले रहे हैं। एक चीज़ और हम दिखाना चाह रहे हैं थोड़ा सा, ये देखिए आपका फ़ोन, एक जो है मैसेज जो है, क्योंकि कैमरे के सामने तो लोग कुछ भी बोल देते हैं। देखिए इनका मैसेज हम देख रहे हैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे इनका, ये देखिए इधर से इन्होंने इनको दिल भेजा है, उधर से भी दिल आया है, फ़ोटो भी है कुछ नहीं खोलेंगे हम। और यहाँ पे ये शायरी भी देखिए, शायरी भी भेजा है, तुम मेरी दिल तुम मेरी जान, क्या बात है, शायरी भी करते हैं। तो ये मतलब कैमरा ही नहीं, कैमरे के पीछे भी इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। तो यही हम आप लोगों से बात करके बहुत मज़ा आया, आप लोगों के भविष्य की हम शुभकामनाएं देते हैं। तो पूजा जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सर, तो सर, सर, मेरा नाम पूजा नहीं है, काजल है। काजल नाम है? तो मैसेज तो पूजा को भेजा जा रहा था वहाँ पे, पूजा को भेज रहा मैसेज। देखिए फोन साला, ये यही प्यार है इनके बीच। जी प्यार है, इसको तो चुतियापा बोलेंगे। है साला कल एकदम किसको मैसेज भेज रहा है जी, ये देखो यही आज का जमाना का साला चुतियापा वाला प्यार है। हैं क्या हुआ जी, हैं कहाँ जा रहा है जी? अरे हम कुछ कर रहे हैं। अरे पहनचोर, अरे साला बरमुंडा रे, इधर साला तो तुम कैमरा छोड़ के यार, तुम साला ये सब बजरंग दल ज्वाइन कर लिया जी। हम तुमको 150 रुपया देते हैं ना, बोलते हैं कैमरा करो, तुम साला लड़ चेते ले ज्वाइन किया है। चल चलो कैमरा दो, कैमरा कहे जी, कैमरा दो इसको, कैमरा दो, गिव हिम कैमरा। ये देखिए हमारा कैमरा मैन आ गया, साला कौन ग्रुप खतरनाक ज्वाइन कर लिया है जी। है नहीं, लेकिन बढ़िया किया है साला, हमने का नाम मिले तो दूसरे को मिलने देंगे, बहुत बढ़िया किया है। 150 रुपया बढ़ाते हैं तुम्हारा। है ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए धाकड़ न्यूज। आपने देखा किस तरह से क्या चुतियापा चल रहा है, तो सब बातें तो होती रहेंगी। देखते रहिए धाकड़ न्यूज, विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क। कैमरा मैन बरमुंडा बुरकुमार के साथ धर्मेंद्र धाकड़, देखते रहिए। हमको ना मिले तो हम दूसरों को भी मिलने नहीं देंगे। ये मोस्ट ऑफ द सिंगल्स का होता है, एंड मोस्टली ऐसा होता है ना,
जब सिंगल हो ना तो लोगों को ना दूसरे जो मिंगल लोग होते हैं ना उनको देख के ऐसा लगता है अरे पागल है क्या, ये क्या कर रहे हैं, क्यों अपने लाइफ के साथ ऐसे कर रहे हैं। सिंगल रहने में कितना मजा है, ये है वो है, एंड वही मिंगल वाले लोग सिंगल को देख के बोलते हैं इसको क्या कैसे जीता होगा, मतलब ऐसा लगता है लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कपल लोग हैं तो वो लोग एक दूसरे के साथ इतनी बातें करते हैं, इतने सारे वीडियो कॉल्स होते हैं, कॉल्स होते हैं रात रात भर चार चार घंटे बात करना एंड ऑल दैट, तो वही सिंगल लोगों का ये सारी चीजें नहीं होती है। तो फिर सोचते होंगे मिंगल वाले लोग कि ये सिंगल वाला कैसे जीतता है, कैसे मतलब क्या है इसकी जिंदगी, ना कोई कॉल करता है ना कुछ ना कुछ ऐसा, और वही सिंगल वाला सोचता होगा यार कितने पागल है, चार चार घंटे क्या ही बात करते होते होंगे एक दूसरे के साथ, लाइक क्या अब इतने सालों से तो एक दूसरे को जानते ही है सब कुछ तो है, फिर भी चार घंटे क्या ही बात करना क्या ही ये करना एंड ऑल दोस थिंग्स। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने मेरे दोस्त को पूछा कि उसकी अगर नई शादी फिक्स हुई है तो मैंने उसको पूछा कैसी है बीवी, बता अपने बीवी के बारे में थोड़ा, एंड वो मुझे बोलेगा कि मैं क्या बताऊ शब्द कम पड़ते हैं, इतनी अच्छी है वो, बहुत अच्छी है ऐसे वैसे, बिकॉज अभी अभी तो सिर्फ तुम्हारा शादी फिक्स हुई है, अभी तक तो तुम साथ में रह भी नहीं रहे हो, अभी तक तो कुछ जर्नी स्टार्ट नहीं हुई है। वही मैं ऐसे ही मम्मी को बता रही थी कि उसने मुझे ऐसे से बोला, मम्मी ने बोला उसको 6 महीने बाद यही सवाल पूछना कि बता बीवी के बारे में, फिर मुझे बताना जवाब सेम है क्या। गॉड मतलब कितनी चीजें चेंज हो जाती है ना लाइफ में, लाइक आज हम ऐसे है यू नेवर नो कि 1 महीने बाद क्या होगा, लाइक कोई ऑल ऑफ सडन तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, कोई ऑल ऑफ सडन जिंदगी से निकल जाए, बहुत सारी चीजें होती है लाइफ के साथ, एंड आई लव दोस थिंग्स लाइक मिरेकल्स एंड एवरीथिंग, लाइक बहुत सारी चीजें होती रहती है लाइफ में ना, मजा आ जाता है। ओके बात करूं लॉयल्टी हो तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है, एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, मुझे नहीं समझ में आता कि लॉयल रहना इतना मुश्किल क्यों लगता है लोगों को, मुझे सबसे प्यारी चीज लगती है कि कोई किसी के साथ एकदम लॉयल रहता है ना तो इतनी प्यारी चीज लगती है, बिकॉज यू नो आपका हार्ट कनेक्शन हो जाता है किसी के साथ, तो वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है तो वो फीलिंग किसी और के साथ आना मुश्किल है कि उसी तरीके से किसी और को हग करना, किसी और के साथ उस वही बातें करना, किसी और के साथ ऐसी भावों में पड़े रहना इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब मेरे लिए आई डोंट नो नॉर्मली लोगों के लिए तो पता इजी भी हो सकता है, बट फॉर मी आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट कि ये तो कितना मुश्किल है कि यही बातें किसी और के साथ भी करो एंड ऑल दैट। लाइक जब कोई हम जैसे लोग जो बहुत ज्यादा एनर्जी लगा देते हैं एक रिलेशनशिप में जो नहीं टिकता तो हम लोग को दूसरा भी नहीं करना होता है, ऐसा लगता है कि नहीं इतनी एनर्जी में वापस एक बार नहीं लगाना चाहती करके, तो मुझे समझ में नहीं आता हाउ डू पीपल डू इट, लाइक इतने आसानी से कैसे कर लेते कि नहीं मुझे इसके साथ नहीं रहना या फिर दोनों के साथ रहना या फिर व्हाटएवर इट इज, नहीं क्या। सो दैट्स द रीजन, आपका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना, बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है लॉयल रहना ज्यादा इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट है, और सॉरी लॉयल रहना ज्यादा डिफिकल्ट है, बट जो डिफिकल्ट चीज है वो ही करनी चाहिए बिकॉज फिर ऐसा लगता है ना मैंने कुछ तो किया है लाइफ में। तो ना मेरा रिएक्शन ऑन द वीडियो धाकड़ रिपोर्टर एंड वैलेंटाइन डे बाय हर्ष राजपूत। अब और पे ऐसी वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो गाइस, ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं, तो प्लीज बाकी परत नहीं आ ले।